अस्सलामुअलैकुम सामीन, सलामती की दुआओं के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। 11:15 आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन द स्टेशन ऑफ द नेशन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्वीट होम शो। 15 तारीख है आज जुलाई का महीना 2020 और आज उन लोगों का बर्थडे है, उन सबको मेरी तरफ से वन वन की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की हसीन तरीन खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है उन सबके लिए दुआएं करेंगे और साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। करंट दर्जा हरारत हुआ जाता है कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब है तकरीबन 60% और हवा जो है वो तकरीबन 23 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से खम खाती हुई इधर से उधर चल रही है। जी लिसनर्स, आपके समाप्त की नज़र इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम जो कि तकरीबन आधा घंटा वन वन खांचा स्टूडियोज से आपके समातों की नज़र किया जाएगा और आज का जो उनवान है वो भी आपको बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ कौन शामिल है स्टूडियोज़ में उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सामीन कराम, कई माह से मुसलसल हम सब कोरोना वायरस की वजह से एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सब इन मुश्किल से नबरदाजमा होने की कोशिश में सरगर्दा है, मगर एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी हम इस वबा पर काबू पाने से कासिर हैं। ये बात यकीनन आप भी जानते हैं कि किसी भी मुआशरे की फलाह के लिए, उसकी बका के लिए, इस्तेकाम के लिए बाहमी तआवुन, इत्तेहाद, इत्तेफाक बहुत अहमियत रखता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि वही कौमें तरक्की याफ्ता कौमें बनती हैं जो बाहम तआवुन, इमदाद और हमाहंगी के जरिए अपने मसाइल का हर खुद अपने जोरे बाजू पर तलाश करती हैं। सामीन, एक मुस्तकम मुआशरा इसी वक्त वजूद में आता है जब इसकी तमाम इकाइयाँ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर कोशिशें कर रही हों और इनके दरमियान कोई तसादम ना हो। ये तरक्की तभी मुमकिन है जब हम अपने रवैयों को इस नहज पर मुंतकिल करें कि सब्र व बर्दाश्त के साथ साथ बाहिमी हमाहंगी को फ़रोग दें और अपने रवैयों को इस हद तक मस्बत करें, पॉजिटिव करें कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे को कबूल कर सकें। सामीन, हम सब जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में जबकि आलम एक वबा कोरोना वायरस का शिकार है और समाजी अफराद एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये समाज एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। सूरत हाल में यकीनी तौर काबिल तहसीन है वो अफराद जो इस मुश्किल घड़ी में बेसहारों का सहारा बनकर खड़े हुए मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद को बिना किसी गर्ज मफाद के सिर्फ और सिर्फ इंसान दोस्त जज्बे के तहत बिना किसी इम्तियाज़ तफरीक के ताबुन करते रहे। मगर साथ ही काबिल अफसोस बात यह है कुछ अफराद तबकात ऐसे भी रहे जिन्होंने मजहब और मसलक की बुनियाद पर इमदादी कार्रवाइयों को तकसीम किया। आज का हमारा मौजू सामीन मौजूदा आजमाइश और बाहिमी इमदाद और समाजी रवैये। इस सिलसिले में गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कि इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मुशीरान हैं। सामीन, आप अगर नहीं जानते इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं आपको बताए दे देती हूँ। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक तालीमी, एक तहकीकी इदारा है जिसका मकसद मुआशरे में अमन व अमान और मुख्तलिफ तबकात के माबैन समाजी रवाबत और बाहिमी एहतराम का फ़रोग देना है। ये दायरा मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हमाहंगी पैदा करने, रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग देने के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी मसाइल के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करता है। इस इदारे के ज़ेर एहतमाम तहकीक, मुकालमा, तरबियत और आगाही के मुख्तलिफ प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। अब मैं आपकी जो तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, आपकी समातों की तवज्जो, वो हमारे स्कॉलर्स, हमारे मेहमानान ग्रामी जो हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। सलाम पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर मोहसिन नकवी। आप रिलीजियस स्कॉलर हैं, आप राइटर हैं, आप फॉर्मर मेंबर हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद वकास हाशमी साहब। आप भी माशाल्लाह से रिलीजियस स्कॉलर हैं, आप खतीब हैं, आप जामिया मस्जिद मेमन गुलजार हिजरी के खतीब हैं और एक जाना पहचाना नाम, आप दोनों ही मेहमान जाने पहचाने नाम हैं। डॉक्टर मोहम्मद वकास, आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप दोनों क्या हाल चाल हैं, आपके मिजाज ग्रामी कैसे हैं? दुआएं हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको वन वन क्राची स्टूडियोज़ में? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। सर, बड़ी खुश नसीबी है कि आप जैसे बड़े लोग जिनसे मिलने का सिर्फ इंसान सोच सकता है, इस रूहानी स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर, स्कॉलर होना ही बड़ी बात है, ये बड़ा मर्तबा है। तो आप
दोनों के लिए और आपके इदारे के लिए बेशुमार दुआएं, अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करें। सर, ये जो उन्वान है आज, बाहिमी इमदाद, समाजी रवैये, जो हमारी मज़हब की, हम ये कहें कि ये रूट्स हैं, हमारी प्रीचिंग्स हैं, यही हमारी लर्निंग्स हैं, यही हमारा खासा है, ये हमारी पहचान है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो असरात हैं उसने हमारे माशरे को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया। इस सूरत हाल में अगर हम ये देखें कि मुख्तलिफ जो साइको सोशल ग्रुप्स थे या मुख्तलिफ तबकात थे, उनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स हमारे सामने आए, आपकी इस बारे में क्या राय है मजमूई तौर पर? या हम ये समझे कि ये जो माशरती अफराद हैं इनको आपस में किस तरह ये समाजी ताल्लुकात रवा रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मरज और उसके मुतालिक तसव्वुरात जब तक दिमाग में वाज़े नहीं होते उस वक्त तक उनके ख़िलाफ़ जंग जो है वो जीती नहीं जा सकती। वो चाहे कोरोना वायरस का मसला हो और चाहे पोलियो का मसला हो और इस किस्म की जितनी भी कंपेन्स चलती हैं, उसकी वजह ये है कि दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं और वो दूर नहीं होते। दूसरी इसकी और जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे वहाँ तालीम 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 के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन शऊर के ऊपर और तरबियत के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। यानी कोई शख्स जिसके पास कोई भी डिग्री है किसी डिसिप्लिन की, वो उस डिग्री की बुनियाद के ऊपर तो आगे बढ़ता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसका शऊर, इसकी जो कैपेसिटी फॉर एनालाइजिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। उसकी वजह से हम ये देखते हैं अपने माशरे में कि जिन तबकों से उम्मीद होती है कि इनका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, चाहे कोरोना के सिलसिले में हो, चाहे और किसी नेचुरल डिज़ास्टर के सिलसिले में हो, तो वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उनसे सादिर नहीं होता। वजह उसकी ये है कि उनका उनके पास डिग्री हाई होती है, शौरी लेवल जो है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स है वो लेवल कम होता है। इसमें भी कोरोना वायरस फरवरी के आखिर में पाकिस्तान में इसकी आमद आमद हुई, लोगों ने सोचना शुरू किया। आज भी हम आपसे ये बात अर्ज करते हैं कि हमारे पास बीसियों लोग हैं जो कॉन्टेक्ट में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं है, और लोग जो हैं वो खामखा हुकूमतों ने ऐसा किया हुआ है और ये है वो है। तो जब परसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो जिस उसकी बुनियाद पर जो सोशल रवैये सामाजिक रवैये जो सामने आएंगे वो भी फिर हेल्दी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही उन SOPs का लिहाज तो उसी वक्त किया जाए जब ये पता हो कि हाँ खतरा जो है वो है मौजूद और उसको रियलाइज किया जाए। जब रियलाइजेशन नहीं है तो ना वो SOPs हैं और ना ये है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे करीब लोग हैं उनको भी दाव पे लगा रहे हैं। और वो यही चीज़ें जो हैं, आपने माशी उसका जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि मसलन ऑक्सीमीटर, फिंगर ऑक्सीमीटर जो 500-600 में मिल जाता था, हमने खुद अपने रिश्तेदारों के लिए 5.5-6 हज़ार में खरीदा है वो किया, क्योंकि ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ है ये इसको इंसानियत भी नहीं कहते, इसको कहते हैं बुनियादी तौर पे कि वो शऊर के जो माशरों की कंस्ट्रक्शन में और डेवलपमेंट में उसमें आगे बढ़ता है वो हमारे तालीमी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। अगर ये चीज़ हो और हम चीज़ों को इस तरह से रियलाइज करें कि आज दूसरा मुश्किल में है तो कल हम भी इस मुश्किल में या हमारा कोई अजीज़ मुश्किल में आ सकता है, तो हम वो रवैया ना अपनाएं कि जो हेल्दी नहीं है, जो माशरे को क्रश करने वाला है, बजाय इसको आगे लेके चलने वाला। ठीक, डॉक्टर मोहसिन नकवी, आप बहुत बेहतरीन, आपने यकीनन तसल्ली बख्श जवाब बड़ा डिटेल में, खुदा करे कि लोग जो सुन रहे हैं वो उसको अब्जॉर्ब करें और उसको इस्तेमाल करें, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, प्लानिंग करें। सर, आपने रवैयों की बात की, मैं अगला सवाल जो है डॉक्टर सैयद वकास साहब आपसे करूँगी। सर, रवैयों के बाद जब हमने देखा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि तनाज़ात भी सामने आए और हमने रवैयों पर तवज्जो ही नहीं दी ना कि किसी तरीके से वो तालीमी इदारों का हिस्सा बनते, तो हम अगर ये देखें मौजूदा दौर में जो
कलेक्टिव इमदाद है या बाहिमी इमदाद है समाजी रवैयों के बारे में आपका क्या मुशाहिदा है, या और इस हवाले से ये जो संगीन सूरत हाल में जबकि मदद का जज्बा हम आम देखते हैं, हर किसी को शौक़ है, हर किसी का जज्बा है कि वो किसी ना किसी की मदद करें, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मुख्तलिफ तबकात के माबैन तनाज़ात सामने आए हैं, इसकी अहम वजह आप क्या समझते हैं कि इसकी अहम वजह क्या है और हम अपने रवैयों में किस तरीके से तब्दीली ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बैतिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी और बहुत अहम तरीन मौजू पर प्रोग्राम किया जा रहा है। अल्लाह ताला आपको इसकी जजाय खैर अता दे और हमारे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की पूरी टीम के लिए भी मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इन सबको भी बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जो बाहिमी इमदाद और तआवुन के बावजूद बहरहाल रवैयों में एक ख़ास फ़र्क नज़र आता है और वो फ़र्क इतना वाज़े है कि जो तनाज़ात की तरफ चला जाता है, उसकी बुनियादी वजह जो है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। बुनियादी तालीम से हम महरूम हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुनियादी चीज़ें सिखाईं, एक दूसरे के साथ तआवुन करना, मदद करना। इवन के अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी यहूदी ने मिसबिहेव किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस अंदाज से जवाब नहीं दिया। आज हमारा अपना मुसलमान भाई अगर किसी भी वजह से, हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो, ब्लड प्रेशर का शिकार हो, वो मिसबिहेव कर रहा होता तो उससे ज़्यादा बढ़कर मिसबिहेव कर रहा होता। ये अलग बात है कि हम तआवुन का, इमदाद का जज्बा रखते हैं, लेकिन जो हमारे दरमियान तनाज़ात हैं उनकी बुनियादी वजह जो है इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है, और उस मालूमात की कमी की वजह से तालीम भी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की फ़िक्र बहुत आला है कि इल्म तो ठीक है, काले हरूफ का नाम इल्म नहीं होता, इन काले हरूफ के पीछे छुपे हुए जो नूर है उस नूर को समझने की ज़रूरत है। हक सच्चा। तो हम ये समझते हैं कि अगर मुआशरे के अंदर जो इस वक्त हमें मुआशरा तितर बितर हुआ है, बिखरा हुआ है, इसको संवारने के लिए, इसको समेटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तरबियत। इन काले हरूफ के पीछे छुपे हुए नूर को समझने की ज़रूरत है, मदद का मफहूम समझने की ज़रूरत है। मदद का मफहूम ये नहीं है कि किसी भूखे के पेट में आप निवाला डाल लें, बल्कि मदद का मफहूम ये है कि उसकी इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मदद करें, बग़ैर किसी तफरीक मज़हब और नस्ल के, रंग के, आप उसकी ऐसी मदद करें कि जिससे वो आपका गर्विदा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। हम देखते हैं कि आप ऐसी मदद फरमाते थे कि लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, दीन अपना मज़हब छोड़ देते थे, अपना अकीदा नज़रिया छोड़ देते थे। तो आज हम लोगों के अंदर वो बात नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम अपने रवैयों पर एक मरतबा फिर से गौर करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन बातें, बस रोंगटे खड़े हो रहे थे। खुदा करे 101 कराची स्टूडियोज़ को अल्लाह तबारक ताला ने हमेशा से, सर फैमिली चैनल है ये और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। फैमिली चैनल का मतलब कि तरबियत का ठीक है बेड़ा नहीं उठाया, लेकिन कुछ कुछ अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। अगला सवाल मोहसिन नकवी डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर मोहसिन नकवी सर, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मजमूई तौर पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर हाशमी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हम कैसे मिलकर इस वबा से नबर्दाजमा हो सकते हैं? देखिए हम ये बात कहेंगे कि हमारे तमाम मसालिक के जो वो हैं, मदारिस हैं और उलमा हैं, वो उलमाए दीन नहीं पैदा कर रहे, उलमाए मसालिक पैदा कर रहे। बड़ी गहरी बात कर दी आपने। अच्छा, दूसरे अबव एक बात है, वो ये है कि इस्लाम जो हमें अल्लाह का तसव्वुर देता है, अब हम यहाँ अल्लाह के तसव्वुर की बात करने बही माना कि जो थियोलॉजी, जो दीनियात हमें सिखाता है उसमें नबुव्वत भी शामिल है और इलाहियात भी शामिल है, हमने उसकी बुनियादी तालीम को नज़रअंदाज कर दी।
قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب المسلمین کہا گیا ہو. جی بالکل, کہیں بھی رب المسلمین نہیں کہا گیا, جہاں بھی ہے تو رب العالمین کہا گیا. یہاں تک کہ فرعون کے مقابلے میں بھی جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو رب العالمین ہی کی آیت سے تعارف کروایا. اب عالمین میں شجر اور حجر, پہاڑ صحرا کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر انسان, ہر درندہ, ہر چرند, ہر پرند جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, وہ سب کا رب ہے. یہی عالمین کی لفظ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں, وہ بریلویوں کے لیے, شیعوں کے لیے, دیوبندیوں کے لیے, اہل حدیث کے لیے رحمت ہیں. وہ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے. جس طرح سے اللہ کی ربوبیت سب پر حاوی ہے, جو اس کو مان رہا ہے اس کا بھی رب ہے, جو اس کو نہیں مان رہا ہے ایتھیسٹ ہے اس کا بھی وہ رب ہے, جو مندر میں پکار رہا ہے اس کا بھی وہ رب ہے, جو مسجد میں پکار رہا ہے اس کا بھی رب ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں تمام کے لیے, جو ان کو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے, جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے. تو اسی طرح سے آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کے لیے یہ الفاظ آئے, قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ ہدن للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, پوری جو عالم انسانیت ہے اس کے لیے یہ باعث ہدایت ہے اگر وہ اس کی طرف رجوع کرے. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن اور یہ جو چیزیں ہیں کہ نبی, ہمارا نبی اور طرح کا ہے, ان کا نبی اور ہے, ہمارا جو مذہب ہے اور ہے, ہم قرآن, ہمارے لیے قرآن اور ہے, ان کے لیے قرآن اور ہے, ان کا اللہ اور ہے, ہمارا اللہ اور ہے, یہ سوچ اس وقت تبدیل ہوگی جب ہم اس اپنے اور غیر کے تصور سے باہر نکلیں گے. اور ہم تو کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ انگلش میں اور اردو میں بنیادی طور پہ آئی مائی می, یہی تین وہ ہیں کہنا چاہیے کہ حروف کہ جو اسما کو ظاہر کرتے ہیں. باقی جو ہیں یعنی میں, آئی مائی, میرا اور می اور میں, باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے غیر ہیں, وہ سب کے سب غیر ہیں. اور غیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو جب تک یوج ہے وہ آئی میں تبدیل نہیں ہوگا, کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہی یا یو نہیں ہیں, یہ بھی آئی ہیں, میرا جز ہیں. یہ جو ہیں کوئی دوسرا ایکس وائی زیڈ, وہ بھی آئی ہے, میرا جز ہے, می میں داخل ہے, مائنڈ میں داخل ہے. جب تک یہ تصور نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ڈسکرمنیشن, یہ ڈسٹنکشنز جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی. اور جب یہ ختم نہیں ہوں گی ہمارے شعور سے, تو ہم چارانے کسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے یا اس کی مدد کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کیسا ہے, یہ کون سی زبان بولتا ہے, یہ کس مسلک کا ہے. ہم گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک دکھ بھری بات عرض کریں گے. سر یہ اس کو یہاں روک سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت, تو ایک ہمارے پاس کمرشل بریک ہے اور کووڈ 19 کی ہی وہ ایک سٹوری ہے اور ہمارے اس صوبے کی جو زبان ہے سندھی زبان میں یہ سٹوری ہے. لسنرز آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کمرشل بریک, اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ٹیونڈ. پیارن بارن کے اج جو سلام, چھا حال ہے نواں جا؟ یقیناً پینجو تمام گھنو خیال رکھندہ ہوں, گڈو گڈ پانا ہاتھ صابن سے دھوئن نہ وساری ہوں. پیارا بارو, جی تواں جی پڑھائی جی نقصان کے گھٹائن لئے یو ایس ایڈ فنڈڈ پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ پارا ہی مزے مزے جے آکھانن بدھائن جو پروگرام شروع کیا ویو ہے, جے میں آؤں اواں کے یہ کہانیوں پڑھی بدھائیں دی آیاں. پوئے اچو تا اج جی کہانی شروع کروں. کہانی جو عنوان ہے ماکھی جو مکھیوں. ایکڑے گھر جے ون تے ماکھی جے مکھن جو مانارو ہو. مانارے میں ماکھی جے مکھن ڈاڑی مٹھی ماکھی گڈ کئی ہوئی, کھن پینجی محنت تے وڈو ناز ہو. ماکھی جے مانارے کے ڈسی ان گھر جو عام مکھیوں ہر وقت خار کھائیندیوں رہندیوں ہیں. روز کون کو بہانو بنائے ماکھی جے مکھن کے پیوں تنگ کندیوں ہیں. جتوڑیک ماکھی جو مکھیوں ڈنگ ہانی عام مکھن کے ڈیہ جا تارا ڈیکھارے پے سگیوں, پر پینجی سباجڑی طبیعت کرے سدائی پیوں در گزر کندیوں ہوں.
एक डी एड़ी मिठी माखी दिसी घर जे मालिक जे मुंह में पानी भर जी आयो हुन दुओ दुखायो बुट बदी हुन दुए जो वास डेई माखी जे मक्खियन के भजाए समूरी माखी लाहे वरती या माजरा दिसी आम मक्खियों हुकरा करे खिलन लगी या माजरा दिसी आम मक्खियों हुकरा करे खिलन लगी माखी जो मक्खियों बेचारियों उबान क्यों थी वण ते वेही घर जे मालिक पंजे मानारे के दिसंदी रहियूं आम मक्खियन माखी जे मक्खियन के चयो मजो त हाणे ईंदो जडे असा या माखी खाइंदोसी माखी जे मक्खियन वराणियो केजी मजबूरी ए दुखिए वक्त खिलन ठठोली न करण गुरजे दुखियो वक्त केते ब अची सके थो आम मक्खियन चिथर कंदे माखी जे मक्खियन के जवाब दिनो हाओ हाओ फिलहाल त तमा मोंडियो असा ते एड़ो वक्त जने आयो त डिठो विंदो होडा घर जे मालिक माखी जो थाओ आणे अची कमरे में रखियो माखी रखी जी घर जो मालिक बाहर निकतो त आम मक्खियों माखी जे चौधारी मिड़ी आई ए मजे मजे सा माखी खाण लगी समूरी माखी खराब करण ए खाण का पोए जी बाहर निकरण लग्यूं त संदन पर ए पैर माखी में फांसी पिया हुनन उडामण जी डाढ़ी कोशिश कई पर पेरन में माखी चिंबड़न जे करे हु उडामी न सग्यूं हुनन के हाणे डाढ़ो पछताव थियो माखी जो मक्खियों ब यो सजो लकाव दिसी रहियूं हुयूं माखी जे मक्खियन खेन चयो डिठो केंजी मजबूरी ते ठठोलियूं करण जो अंजाम दुख्यो वक्त बुधाए न ईंदो आहे के ब शय जी लालच चंगी न आहे छो त लालच बुरी बला आहे यो बुधी आम मक्खियन के पंजे रवैये ते अफसोस थियण लगो हुनन माखी जे मक्खियन खां माफी वरती ऐं अॻिते ईअं न करण जो वाइदो कयो माखी जे मक्खियन ब आम मक्खियन खे माफ़ करे छॾियो ऐं माखी मां ॿाहिरि निकिरण में संदन मदद कई ॿारो हुन ॾींहं खां पोइ हू सभु पाण में ख़ैरु ख़ुशी सां रहण लॻियूं ॿारो अवां अॼु जी आखाणी ॿुधी हाणे अचो त हर भेरे जी अॼु जा सवाल शुरू करियो पहिरियों सवाल आहे लालच जे करे आम मक्खियुनि सां कहिड़ी हालत थी अव्हांजो जवाब बिल्कुलु सही आहे वधीक माखी खाइण जी लालच में आम मक्खियूं माखी में फासी पियूं ऐं उॾामण खां लाचार थी वियूं चङो पोइ ॿियो सवालु आहे जेकॾहिं को मुसीबत में हुजे त असांखे छा करणु घुर्जे बिल्कुलु सही चयो अव्हां असांखे हुन जी मजबूरी ते खिलण ऐं ठठोलियूं करण जे बदिरां उन जी मदद करणु घुर्जे छाकाणि त असां ते बि कंहिं वक़्तु मुश्किल वक़्तु अची सघे थो ॿारो भला इहो ॿुधायो पंहिंजी ग़लती ते माफ़ी छो वठणु घुर्जे जी बिल्कुलु जेकॾहिं अव्हां समुझो था त अव्हां पंहिंजे रवैये या अमल में किथे ग़लति आहियो ऐं अव्हांखे उन ग़लती जो अहसासु आहे त पोइ माफ़ी ज़रूरु वठणु घुर्जे ॿारो उमेद त अव्हांखे अॼु जी आखाणी पसंदि आई हूंदी वरी अॻे हफ़्ते हिकु नई कहाणी सां गॾु अव्हां वटि हाज़िर थींदसि तेसी ताईं खुदा हाफिज़। Always ahead, FM 101. सामीन खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वीट होम शॉप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आज माना आप लोगों के साथ एक बजे तक माना आपका साथ है लेकिन इस वक्त आप सुन रहे हैं इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम और हम बात कर रहे हैं इस मौजूदा आजमाइश और ये जो वबा का जो माहौल है इसमें समाजी रवैये और ये जो बाहिमी इमदाद है इसको किस तरीके से लेके साथ चला जाए और हम अपने रवैयों में कैसे तब्दीली लेकर आएँ इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्कॉलर माजरत डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और डॉक्टर सैयद मोहम्मद वकास हाशमी साहब और हम आपसे सवालात कर रहे हैं तो लिसनर्स एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल किया था कि ये जो वबा है इससे किस तरीके से नबर्दाजमा होना चाहिए और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब जो है उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे जी डॉक्टर साहब आप एक कोई वाकया शेयर छोटी सी बात हम शेयर कर रहे थे वो ये कि आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसा होता था कि कोई हमसे किसी कहना चाहिए कि किसी किस्म के तआवुन के लिए बात करता था
तो हम बस किसी को जो जेन में आए फ़ोन कर देते कि भाई इतने पैसे चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, या फुला जगह है, बिल पे करना है, मेडिकल बिल पे करना है, या तो राशन डलवाना है। तो वो हमसे ये नहीं पूछता था कि ये कौन शख्स है, कहता डॉक्टर साहब आपने कह दिया ये काम हो जाए। अब ये है कि वो पहले पूछता है कि ये डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, अच्छा वो शिया है, वो अहले हदीस है, ये फुला है, यानी देने वाला जिसे रिक्वेस्ट किए वो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है वो ये कंफर्म करता है जिसको मेरे इमदाद जा रही है वो उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। अगर हम इस रवैये पे नज़र करें तो हम रब्बुल आलमीन के कॉन्सेप्ट से और रहमतुल्लिल आलमीन के कॉन्सेप्ट से कितने दूर हो गए कि हमें तो ये आयतें पढ़ना भी ज़ेब नहीं देती कि अगर हम अपने किरदार के ऊपर वो करें तो हम तो नहीं अपनी ज़बान से अदा कर सकते कि हम जिसके मानने वाले हैं वो रब्बुल आलमीन है और जिसकी उम्मतें हैं वो रहमतुल्लिल आलमीन है, और हम इतनी छोटी सोच रखते हैं कि हम देने से पहले ये सोचें कि हमारा पैसे चार आने चाहिए वो किसके हाथ में जाने। दूसरी चीज़ हम कह के वो करेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो तशरीफ़ लिए जा रहे हैं एक उसमें, तो उनको बताया जाता है कि जहाँ आप तशरीफ़ लिए जा रहे हैं वहाँ ताउन फैल गया, तो आप फरमाते हैं कि बस अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ वबा फैले वहाँ न जाओ, और जो वहाँ है वो वहाँ से ना निकले। सब ने उनके हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा सहाबियत के साथ साथ वो एक हुकूमत एक हाकिम भी तो थे ना, उनसे जो लोगों की अकीदत थी उसके लेवल्स भी मुख्तलिफ होंगे, हर एक उनको उस तरह से नहीं चाहता होगा जितना वो खास मदीने और मक्के का रहने वाला चाहता होगा, बेशक, ठीक है। लेकिन ये कि ये हुक्म था, हुजूर की हदीस आ गई, पूरा लश्कर जो था वो वहाँ ठहर गया और वापस आ गया। यहाँ उलमा कहते रहे, उसके साथ साथ हुकूमत कहती रही आप ये कर लें वो कर लें फला कर लें, लेकिन ये कि हम इतने पक्के मुसलमान हैं कि हमें न दीन की बात माननी है और ना इस्लामी हुकूमत की, मुसलमान हुकूमत की बात माननी है। ये जो रवैये हैं इनको अगर हमने तब्दील नहीं किया तो ये कोरोना वबा है, अल्लाह के हुक्म से चली जाएगी कभी ना कभी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हम इसी वबा में यानी जहनी वबा जो है उसमें फंसे रहे, बीमारी से निकलने के जहन में। बड़ी गहरी बात की डॉक्टर मोहसिन नकवी आपने, और बिल्कुल यही असल में जो नाफरमानी है वो एक किस्म की बीमारी है, और उसने हमारे जिस्मों में, हमारे जहनों में, हमारे रिश्तों में, घरों में उसने जड़ें पकड़ ली हैं। बहरहाल लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं मौजूदा आजमाइश और बाहिम इमदाद समाजी रवैयों के हवाले से, तो अगला सवाल जो है वो डॉक्टर हाशमी साहब से मैं करूँगी। डॉक्टर साहब, ये मौजूदा सूरत हाल में जबकि हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस ने अपने बहुत ही शदीद कस्म के असरात मरतब किए हैं, ऐसी सूरत हाल में, इस तशवीशनाक सूरत हाल में जो तबकात रजाकाराना तौर पर मुख्तलिफ तबकात जो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या जो जिन्होंने की है उनके क्या नतज मरतब हुए हैं जो कर चुके हैं ये कार्रवाइयाँ? जिन हमारे समाजी इदारों ने रजाकाराना तौर पर खदमात अंजाम दी हैं उसके नतज भी वो बरामद नहीं हो सके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने अभी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल भी दी और बहुत अच्छी बात कही समझ में आने वाली कि हमारी बहसियत कौम जो हमारे अंदर एक हमारा किरदार होना चाहिए था वो हम किरदार खो चुके हैं, जो सोच होनी चाहिए थी वो सोच हम खो चुके हैं, जो हमारा एक रवैया होना चाहिए था उस रवैये को हम भुला चुके हैं। जिन इदारों ने, जिन समाजी तंजीमों ने इस सिलसिले में बाहमी ताबुन किया और अब तक कर रहे हैं जिस तरीके से भी, तो बतौर जिम्मेदार शहरी के अभी तक हम उस नतीजे को हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल करना चाहिए था। हुकूमत ने भी इस सिलसिले में बहुत सारी काविशें की जो काबिल तहसीन है, उलमा ने भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया, मस्जिद के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया और इमाम बारगाहों में भी,
लेकिन इसके बावजूद वही मैं अपनी बात पिछली वाली बात दोहराऊंगा कि हम अपने मतलूबा हदफ को हासिल सिर्फ इसीलिए नहीं कर सके कि हमारे अंदर वो शऊर नहीं है, बात को समझने का इदराक नहीं है हमारे अंदर, और उस बात के इदराक के ना होने की वजह से मतलब ठेले वाला है, रक्षे वाला है, पान वाला है, बस वाला है, ये सब पूरा मिलजुल करके हमारा मुआशरा बनता है। बेशक बेशक। तो अब रक्षे वालों को आप देख लें, ठेले वालों को देख लें, ठेले के ऊपर आम आजकल आए हुए मार्केट में जी। लोग आम उठाते हैं और उठा करके उसको सूंघ के देख रहे होते हैं। एक अच्छा वाला पढ़ा लिखा आदमी जो ना आम उठा के सूंघ रहा होता है, तो उस आदमी से पूछे भाई तुमने आम उठा करके सूंघ रहे हो, देख रहे हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह के हुक्म से अगर इसमें कोई कोरोना वायरस का जरासीम मौजूद होगा वो तो नाक के जरिए घुस जाएगा अंदर। तो ये सोचने की यही चीज तो आपको समझा रहे हैं, आम उठा करके सूंघने का नहीं है, लेकिन ये शऊर नहीं है हमारे पास, ये समझ नहीं है। अच्छा फिर अगर आप उसको टोक दें, ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने दो तीन दोस्तों को देखा, मैंने टोका तो वो बुरा मान गए कि यार आप ऐसी बात कर रहे हैं आलिम दीन होकर के। मैंने कहा आलिम दीन हूँ तभी तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये अल्लाह का हुक्म है, मुस्तनद बात है। इस वक्त हम जिस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, ये वबा माजी में कभी ऐसी नहीं आई, माजी में कभी हमारे इससे वास्ता नहीं पड़ा, ये एक ऐसी नई चीज़ है, एक नई सूरत हाल आ गई है। तो हमें इसके लिए अपने इल्म के साथ अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना है, और फिर चले हमारे पास इल्म और अकल कम है मान लीजिए, तो ये इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हजरात हैं, उलमा हैं, ये हमें समझा तो रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो हमें समझा रहे हैं। तो अगर अब भी आप नहीं समझना चाहते तो फिर कहते ना कि वो कौम अपनी हालत कभी नहीं सुधार सकती, अल्लाह ताला उसको कभी नहीं सुधारेगा जब तक कि खुद कौम अपनी हालत ना सुधारे, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जीते रहिए, और बड़ी जिंदा दिल और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, यकीनन सामईन आप इस गुफ्तगू से महसूस हो रहे होंगे, और अपने ख्याल जो आप पेश करना चाहते हैं वो हम इस कमर्शियल प्रोग्राम को जब एंड हो जाएगा, ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे और आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा अगला सवाल डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, सवाल इतने सारे हैं और बस यूँ समझें कि मुझे तो दरिया मिल गया है, और या तो बहुत बड़ा समंदर मिल गया है, और बस मैं उसमें से मोती निकाले जा रही हूँ किसी तरीके से मेरी इस्लाह हो जाए, सामईन की इस्लाह हो जाए, हमारे 101 के आर्टिस्ट स्टूडियोज़ के लिसनर्स की। डॉक्टर मोहसिन नकवी आपसे जो अगला सवाल है, देखिए ये अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, डॉक्टर हाशमी साहब ने बात की मौजूदा सूरत हाल की, रवैयों की और रवैयों की तब्दीली की, माशरे के जो ये कलेक्टिव बिहेवियर की, हम इस मौजूदा सूरत हाल में बाहम इमदाद के तनाजुर में बतौर अगर जिम्मेदारी शहरी देखें तो हमें माशरे में ये तबकाती फ़र्क को ज़ाहिल करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि ये तबकाती फ़र्क जो है जो कि रवैयों में है ये किसी तरीके से तब्दील हो सके। मुसलमान लश्कर और मुसलमानों की जो जंगें हुई हैं, गजवात हुए हैं, सूरत से सराया हैं, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलती हैं। मसलन एक वाकया बड़ा मशहूर है कि कुछ सहाबा जख्मी हुए, वो हुआ मैदान में, तो प्यास लगी थी, एक के पास पानी लेके पहुंचे तो उसने कहा कि नहीं वो जो है वो ज्यादा जख्मी है, बराबर वाला उसको पिला दो। वो उसके पास पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं मेरे बराबर वाला जो है वो ज्यादा जरूरतमंद है उसको पिला दो। यहाँ तक के वो 6-7 तक वो बात पहुंची, और आखिरी से जब पलट के वो पानी पिलाने के लिए दोबारा इस पे आए तो पता लगा कि इनकी शहादत हो चुकी, दूसरे की भी शहादत हो चुकी। बुनियादी तौर के ऊपर बात यह कि माशरे जो हैं वो ईसार पे खड़े होते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि एक तो इमदाद के ये माने हैं कि जो नीचे है, जिरदस्त है, इससे ज़रूरतमंद है, उसको जिरदस्त ही रखो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हाथ पकड़ के उसको उठाओ और अपने बराबर ला के खड़ा करो। हमारे वहाँ इमदाद का तस्वुर ये है कि जो उफ्तादा तर है उसको उफ्तादा तर रहने दो ताकि वो हमारा एहसान मंद रहे और उसको हम कुछ ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके साथ कुछ करते रहें। ये जो तसव्वुर है कि उसको उठा के अपने बराबर खड़ा कर लो, किस तरह आह खा के मजल्लत से मैं उठूँ, उफ्तादा तर जो मुझसे मेरा दस्तगीर है। तो होता क्या है कि ये जो उफ्तादगी है ये बुनियादी तौर के ऊपर अपना पार्ट प्ले करती है, और देने वाले की तरफ से एहसान का
कि दूसरा हमारा एहसान मंद रहे और वो रहे। कुरान मजीद में जहाँ पड़ोसी के हुकूक का बयान है तो उसमें ये है कि वो पड़ोसी की जो तुम्हारा रिश्तेदार भी, वो पड़ोसी की जो अजनबी है, वो पड़ोसी भी कि जो तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गया, आप एक बस में सफर कर रहे हैं, एक सीट पे दो आदमी बैठे हैं, वो भी आपके लिए आपका पड़ोसी। बड़ी गहरी तरीन बात कर रहे हैं, ईमान ताज़ा होने वाली। ये कुरान का हुक्म है, ठीक है। कुरान में इस तरह से तकसीम बयान की गई। हमारे वहाँ क्या है, हमारा ये है कि अच्छा, अब जैसे हम अपने बहुत से अजीजों को जानते हैं जो कोरोना के शिकार हुए, अपने जानने वालों को अजीज इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ भी अजीज है, कोरोना के शिकार हुए, लोगों ने उनकी तरफ पलट के नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं। उनके घर जाएंगे, अगर बच्चों को खाना दे आएंगे, वो करेंगे, तो ये ना हो कि हमें लग जाए। भाई आप इस पीस का ख्याल करके जो चीज़ें हैं आप वो करें। हाँ, जब चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद सब ने फ़ोन कर करके कहा हर एक से कि भाई हमने तुम्हारे लिए इतनी दुआएं की हैं, नमाज शब पढ़ी और ये किया है वो किया है। नमाज शब से उसका घर चलने वाला नहीं है, आपकी दुआएं पढ़ने से उसका घर चलने वाला नहीं है। अल्लाह का करम आप ज़रूर खींच सकते हैं उससे, लेकिन ये कि जो माशरती रवैयों में जो चीज़ें लैकिंग हैं, अगर सिर्फ ये जवार के जो तसव्वुर है, पड़ोसी के तसव्वुर, उसकी अगर आप रियायत कर लें, इंसान सोचना उसके ऊपर शुरू कर दे कि हमें किस तरह से, ये मेरा पड़ोसी, हम इनको नहीं जानते फर्ज के कौन सा आदमी क्या है क्या नहीं, हमारे साथ बैठ गए तो अल्लाह तबारक ताला इनका हक हम पर और हमारा हक इनके ऊपर करार दे, ना कि हम इस बात को सोचें कि ये सामने वाला जो है वो किस उसमें है और ये जो है ये मसलन हमारे घर काम करती है तो हम सर्विस प्रोवाइडर है तो हम इसकी मदद क्यों करें, फलां की वो क्यों करें। ये चीज़ें हमें इनसे आगे बढ़ के ऊपर इन शेल्स को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो इस वबा को भी और आइंदा जो भी मुश्किलात आएंगी उनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं इंशाल्लाह। सर क्या बेहतरीन गुफ्तगू, और बतौर माहिर नफ्सियात जो रवैयों की जो बीमारियां देखती हूँ बड़ा दिल दुखता है। जेलों से ज़्यादा अस्पताल भरे हुए, जेलों से ज़्यादा रिहैब सेंटर्स भरे, और जेल भी इस वजह से भी भरे हैं कि बाहर जाके क्या करेंगे, तो लोग नामों से पुकारेंगे, रवैये नहीं तब्दील करेंगे। बंदा मुआफ़ी मान लेगा लेकिन जो मुआशरा है वो रवैया तब्दील नहीं करेगा। अगला सवाल जो है वो बिना किसी ताखीर के डॉक्टर हाशमी साहब से करूँगी कि डॉक्टर साहब, ये जो करोना वायरस की ये सूरत हाल है, हम सभी देख रहे हैं कि मुआशरे के तमाम अफराद का तमाम तर जो नज़रियाती इख्तलाफ है, ये तमाम मुआशरे के अफराद इससे बाला तर होकर बहैसियत इंसान मुश्तरका तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ बरोए कार लाना या बाहमी इतिहाद मोहब्बत और समाजी हमाहंगी के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप इस बारे में क्या पैगाम देते हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि मुआशरा परेशानी में मुब्तला है तो बस इस वक्त कुरान हदीस बहसियत मुसलमान होने के, मैं पहले कुरान हदीस का रेफरेंस दूंगा कि कुरान और हदीस और फिर बहसियत इंसान होने के अखलाकियात का दर्स यही है कि बिला तफरीक हर एक की मदद की जाए, बिला तफरीक रंग व नस्ल मज़हब, ये ना पूछा जाए कि भाई तू किस मसलक का है, तू किस मज़हब का है। ये देखें कि इस वक्त वो मुश्किल की घड़ी में है और हमें उसकी मुश्किल घड़ी में जो हम मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि कुरान मजीद ने इस बारे में बड़ी वाज़ह हिदायत इरशाद फरमाई है, वबिद अल-क़ुरबा वल जार दिल क़ुरबा वल जार अल-जुनुबे वस्साहिब बिल जंबे वबिल सबील, ये वस्साहिब बिल जंबे ये यही है, बराबर बराबर बैठे हुए। तो जहाज में आप सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके बराबर में बंदा बैठा हुआ है वो आपका पड़ोसी है। कुरान ये कहता है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, तुम कितने ही शदीद हाजतमंद क्यों ना हो अपने भाई की मदद पहले करो। ईसार का जज्बा कुरान हमें बता रहा है, आज हमारी बहसियत कौम ईसार ख़त्म हो चुका है। सामीन 11:54 ऑन द डायल,
और घड़ियों की टिक-टिक हमें बता रही है कि हम जो है वो अख्तिताम की तरफ चले। माशाल्लाह बे इंतहा सैर हासिल गुफ्तगू रही है। हम अपने मेहमानान ग्रामी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मसाइल की जानब हमारी तवज्जो तो दिलवाई लेकिन इसके हल की तरफ भी थोड़ी सी रोशनी डाली। और यकीनन ये वक्त सिर्फ मसाइल बयान करने का नहीं है, इन्हें हल करने की ज़रूरत है, बाहम इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक़ की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर्स में अपनी सोचों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और इस ज़मन में हम सब की कोशिशें यकीनन बेहद मायने रखती हैं। सामिने कराम यकीनन उम्मीद है कि आप तमाम भी गुफ्तगू से मुस्तफीद हुए होंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की और डॉक्टर सैयद मोहम्मद वकास हाशमी साहब की। आप दोनों रिलीजियस स्कॉलर, आप दोनों के लिए दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम जायज़ हाजात को मुकम्मल फरमाए और आपको अपना बेहतरीन और ख़ास कुर्ब अता फरमाए जैसे उसने अपने बरगजीदा बंदों को अता फरमाया। डॉक्टर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी सामीन, हम आपको लिए जा रहे हैं एक अदद ब्रेक की जानेब यानी कि न्यूज़ हेडलाइंस और टाइम चेक की जानेब। मुझे कहते हैं आर्जमाना, मेरा आपका साथ रहेगा 1 बजे तक, हमारे साथ रहेगा, स्टे ट्यून्ड।